एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक रोशनी को जहाँ पर कुछ चमक रही होती है और उसके बारे में दिखाया जाता है एक लड़की को जिसके बाल पर कैना का वो हेयर पिन होती है और भी वहाँ पर वो लड़का आता है, यानी वो येलो बाल का वो लड़का वहाँ पर आता है और भी उस लड़के के पीछे एक डेमन किंग आता है, यानी वो डेमन किंग आता है और उसके बाद वो डेमन किंग और वो लड़की दोनों एक दूसरे को वो किस करने लगते हैं और उसके बाद वो उस लड़के को लेकर वहाँ से चला जाता है और इधर वो लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो अपने अंदर ही सोचने लगता है मैं फ्यूचर में तुम्हें देख लूँगा। और उसके बाद हमें इधर दिखाया जाता है जहाँ पर हथोरी रो रही होती है और इधर फूजी को भी रो रही होती है और भी कहना बोलने लगती है तुम रो मत, मुझे यकीन है आपको तो यहाँ पर आएगा। और इधर में दिखाया जाता है हिरोशी को जब पर हिरोशी आगो तो को थुन कर जाता है और इधर वो जाते समय देखता है वो स्कूल का प्रिंसिपल और वो येलो बाल वाला लड़का दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और इधर प्रिंसिपल को बहुत चोट लगता है और जिक्र हिरोशी उसके पास आता है और इधर प्रिंसिपल बोलने लगता है तुम हमारे एकमात्र छात्र हो तुम, इसलिए तुम पीछे चले जाओ। और इधर वो येलो बाल वाला लड़का बोलता है अगर तुम्हारे पास कोई पावर है तो तुम इस अटैक को रोको और सुनते हिरोशी प्रिंसिपल के आगे आ जाता है और तभी हिरोशी का वो सूट उधर से गायब हो जाता है, यानी वो एक नॉर्मल बंदा बन जाता है। और उसके बाद दोनों के बीच में कुछ बातें होता है और उसके बाद वो लड़का प्रिंसिपल को मारने के लिए जाता है और तभी हिरोशी उसे बुलाकर बोलता है हे तुम रुक जाओ डेमन किंग अभी तक मारा नहीं है। और उसे दोनों के बीच में कुछ बातें होता है और उसके बाद हमें दिखाई देता है वो लड़का उधर से जाने लगता है और इधर हिरोशी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और इधर फूजी को कैना से बोल रही होती है, यानी वो आपको तो जिंदा है सर से नहीं, ये बात वो उसे पूछ रही होती है और कैना उसके बारे में बोल रही होती है और भी फूजी को नोटिस करता है कि उन लोगों के पीछे एक वो रबर वाला एक मैजिक बीस्ट है और इधर फूजी को उस मैजिक बीस्ट को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रोक नहीं रहा होता है और इधर में दिखाया जाता है तेरवा के सेना के बस जहाँ पर कोई सारे सेना को मार रहे होते हैं और तभी हमें दिखा था उन सेना को लिली यानी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सब लोगों को मार रही होती है और इधर तेरवा सब कुछ स्क्रीन में देख रही होती है और सारे मीडिया भी होते हैं और मीडिया के सामने ही लिली बोल देती है तेरवा ने ही अपने फादर को मार दी है, मैंने अपने आंखों से देखा है। और सुनकर इधर तेरवा बहुत गुस्सा होती है और इधर लिली फिर से बोलती है कि वो तेरवा डेमन किंग को भी मारने की कोशिश कर रही है और ये सब सुनकर तेरवा अपने सैनिक को लिली को मारने के लिए ऑर्डर देती है और तभी लिली तेरवा के सैनिकों को मारकर वो तेरवा की ओर जा रही होती है और तभी उसके आगे तेरवा आ जाती है और तेरवा बोलने लगती है ये लड़की एक क्रिमिनल है जो डेमन किंग की मदद कर रही है और वो यानी इसने मेरे फादर को मारा है और वो मेरे ऊपर सारे दोष दे रही है इसलिए तुम लोग इसे मार सकते हो, यानी वो अपने सैनिक को फिर से ऑर्डर देती है और उसके सैनिक बंदूक लेके रेडी हो जाती है। और इधर में दिखा जाए फूजी को जहाँ पर फूजी को अभी भी उस मैजिक बीस्ट के साथ लड़ रही है और इधर वो मैजिक बीस्ट कैना के ऊपर ऐसे करने वाली होती है और भी उसे कोई बचा लेता है और इधर में दिखा जाता है लिली के आगे सारे सैनिक होते हैं और इधर लिली उन लोगों को देख कर सोच में पड़ जाती है, यानी वो बंदूक वाले सैनिकों के साथ कैसे लड़ेगी और भी पीछे से एक बॉल आता है और इधर उन सैनिकों के ऊपर गिर जाता है और इधर वो बॉल स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की ग्रुप की मेंबर होती है जब लिली उसको देखकर बोलती है यानी पूछती है कि ना कि कौन प्रोटेक्ट करेगी और इधर उसका मेंबर बोलती है कि इसकी चिंता मत करो एक उधर मेंबर गई है। और इधर में देखा जाए फूजी को लोगों के पास वो लड़की होती है यानी लिली के मेंबर होते हैं और इधर वो लड़की उस रबर के मैजिक बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए अपने पैच को ऑर्डर दे देती है और इधर में दिखाया जाता है लिली लोग बाकी सैनिकों के साथ लड़ने के लिए रेडी हो रही होती है और उसके बाद वो लोग सारे सैनिकों के ऊपर अटैक कर देती है और इधर लिली लोगों को देखकर तेरवा डर रही होती है और इधर में दिखाया जाता है फूजी को लोगों को जहाँ पर वो येलो वाले वाला लड़का आता है जिसे देखकर फूजी को बोलने लगती है मेरे भाई की मर्डरर। और इधर कैना की माइंड चेंज हो जाती है और इधर वो बोलने लगती है मैं इसके साथ चली जाती हूँ तब ये सब ठीक हो जाएगा और ऐसे ही वो कुछ बोलने लगती है और तभी वो लड़का कैना के पीछे से आ जाती है और वो कैना को बेहोश कर देती है और ये देखकर फूजी को उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन वो लड़का उसके अटैक को रोक लेता है। और उसके बाद फूजी को और उस लड़के के बीच में कुछ बातें होता है और इधर वो लड़का उधर से गायब होकर चला जाता है और इधर में दिखाया जाता है लिली लोग अभी भी सैनिकों के साथ लड़ रही होती है और इधर तेरवा ये सब देख कर बोल के तुम यानी वो किसी को ऑर्डर देती है कि हाथ को कॉल करो
और इधर में दिखाया जाता है लिली का एक मेंबर वेल रबर वरी वो मैजिक बीस्ट के साथ लड़ रही होती है। और तभी फुजिको एक डीमन में आता है और वो उस मेंबर को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और इधर वो मैजिक बीस्ट भी उन लोगों के पीछे से आने लगती है और इधर फुजिको बोलने लगती है हमें कुछ अलग से करना होगा इसे ख़त्म करने के लिए। और इधर में देखा जाए तेरू हाथों को कॉल करती है और इधर वो हाथों को बोलने लगती है। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी डीमन किंग के साथ है इसलिए इसे भी खत्म करना होगा। ऑर्डर हथौड़ी नहीं जाने वाली होती है और सुनकर तेरुआ हथौड़ी की बहन के बारे में बोलती है यानी वो उसे ब्लैकमेल करती है जिसे सुनकर वो अपना यानी हथौड़ी अपना फ़ोन तोड़ देता है और वो उधर जाने लगती है और वो बोलने लगती है आखिर तो तुम जल्दी से वापस आ जाओ और तुम साबित कर दो कि तुम ही डीमन किंग हो। और इधर हमें लीली लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और इधर लीली लोगों के आगे हथौड़ी होती है जिसे देख कर यानी हथौड़ी को देखकर लिली बोलने लगी तुम तो हमारे स्कूल के ही हो तो तुम हमारे आगे क्यों हो। और उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ बातें हो रहे होते हैं और तभी तेरवा के सैनिक लिली लोगों को एक मैजिक ट्रैप में बंद करने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ पर कुछ डोर वाला सैनिक आ जाते हैं और इधर तेरवा के सारे सैनिकों को मार डालते हैं। और उसके बाद लिली हथौड़ी को बोलने लगती है हमें पता है तुम अपने बहन के लिए ये सब कर रहे हो लेकिन तुम हमारे सामने मत आना। और इधर हथौड़ी लिली के ऊपर अटैक कर देती है लेकिन इधर हथौड़ी लिली के ऊपर अटैक कर देती है और इधर हथौड़ी इसके अटैक को रोक लेती है और वो हथौड़ी को नीचे गिरा देती है। और उसके बाद लिली लोग फिर से आगे जाने लगती है और इधर तेरवा हथौड़ी की बहन को आगे लेकर मारने की धमकी देती है यानी वो अगर लिली आगे आएगी तो वो हथौड़ी की बहन को मारेगी। और इधर में देखा जाए फुजिको लोग एक जगह पर जाकर रुक जाता है और इधर फुजिको एक जगह पर जाती है और इधर वो रबर वाला मैजिक बीस्ट लिली के उस मेंबर के ऊपर अटैक कर देती है और भी फुजिको एक चीज़ लाकर उस मैजिक बीस्ट के ऊपर स्प्रे कर देती है जहाँ पर वो एक स्टोन जैसा हो जाता है यानी उस मैजिक बीस्ट के ऊपर वो लिक्विड नाइट्रोजन ढाल देती है। और इधर फुजिको बोलती है चलो हमें वर के सिचुएशन को देखना चाहिए। और इधर में दिखाया जाता है हथौड़ी को बहन को बचाने के लिए वहाँ पर हिरोशी आ जाता है यानी वो तेरुआ को रोक लेता है और उधर तेरुआ के हाथ से वो उसके बहन को लेकर आती है। और उसके बाद वो हिरोशी उस लड़के से बोलती है कुछ प्रॉब्लम आ गया इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। और उसके बाद वो उसे लेकर आसमान में उड़ जाता है और उधर वो लड़का भी होता है जहाँ पर उसके साथ केना होती है और उधर केना को देख कर लिली बोलने लगी ये केना इसके साथ कैसे। और इधर वो लड़का और हिरोशी के बीच में कुछ बातें होता है और उसके बाद दोनों वहाँ से गायब हो जाता है। और इधर लिली तेरवा के ऊपर अटैक कर देती है और इधर उसका मेंबर लिली को रुकाकर बोलती है तुम ये देखो तेरवा ने सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है। और लिली इधर देखने लगती है वो कहाँ पर गई यानी वो इधर उधर देखने लगती है और तभी तेरवा के साथ जो आदमी था वो आदमी बोलने लगता है यानी वो तेरवा की ओर दिखा देता है। और उसके बाद वो बोलने लगता है अभी तुम तेरवा के इलाका पर हो और डीमन किंग में फेल हो गया है इसलिए तुम भी हमारे साथ डील कर सकते हो। और सुनकर लिली गुस्सा हो जाती है और तभी वहाँ पर फुजिको आती है और फुजिको उन लोगों के ऊपर कुछ फेंक देती है जिसकी वजह से वहाँ के सारे सैनिक गायब हो जाते हैं। और फुजिको लोगों को देखकर लिली खुश होती है और उसके बाद लिली उस आदमी को और देखकर बोलती है अब तुम्हें कौन बचाएगा। और ये बोलकर वो उस आदमी के ऊपर एक बहुत जोर से स्पंच कर देता है और इधर वो आदमी भी एक सब्स्टिट्यूशन ही निकलता है। और तभी वो आर्मी वाला प्लेन हिलने लगता है यानी उसके नीचे अगुतो था और अगुतो अपने फुल पावर में आ जाता है और इधर वो उधर से निकलने के लिए उस प्लेन को उठा रहा होता है। और इधर ये देखकर फुजिको और हथौड़ी खुश हो जाती है और उसके बारे में दिखाया जाता है अगुतो उस बुद्धा को शुक्रिया कह रहा होता है यानी उस बुद्धा ने अगुतो को उधर से निकलने के लिए अपना पावर दे दिया था। और उसके बाद अगुतो फुजिको लोगों को पूछता है केना कहाँ पर है जहाँ पर फुजिको बोलती है उस लड़का ने केना को लेकर गई। और इस सुनकर अगुतो बोलता है चलो हमें उधर जाना चाहिए और ये बोलकर वो उस ड्रैगन के पास जाने लगता है और अभी फुजिको उसे रोकने के लिए बोलता है। और इस सुनकर अगुतो बोलता है नहीं मुझे जल्दी जाना होगा इससे पहले कुछ हो जाए। और इस सुनकर फुजिको बोलती है लेकिन सोगा कहना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और इस सुनकर अगुतो बोलता है क्योंकि वो मेरे पास के साथ जुड़ी हुई है। और इस सुनकर फुजिको बोलते हैं लेकिन अगुतो तुम प्लीज़ वापस आ जाना। और तभी वहाँ पर लिली आती है और लिली भी उसे कुछ बोलने लगती है। और उसके बाद अगुतो अपने उस ड्रैगन के ऊपर उठ जाता है और वहाँ पर तेरवा आती है और वो हथौड़ी को बोलने लगती है यानी उसे डीमन किंग के बारे में बोलने लगती है जिसे देखकर यानी तेरवा को देखकर
हाथोरी उसे मारने के लिए जाती है और देर उसके से एक बोले लेती है, हाथोरी तुम मत जाओ, उसने अपने फादर को मार डाला है। और सुनकर हाथोरी बोलती है, तुम मुझे रोकने के लिए बोल रही हो, मैं ये नहीं कर सकती। और तेरा बोले लेती है, तुम याद रखना मैं तुम्हारे फिलिस और डेमन किंग को तबाह कर दूंगा। और देर हाथोरी को याद आती है उसकी ग्रैंडमदर ने उसे क्या क्या बोली थी, और उसके बाद वो हंसने लगती है और बोलती है मैं ये करूँगा, और ये बोलकर वो अपना तलवार निकालने लगती है। और उसके बाद वो कुछ मंत्र को बोलकर बोलती है, मैं इसे उस आदमी के लिए इस्तेमाल करने जा रही हूँ। और जब वो तलवार चमकने लगती है जिसे देख कर वो सारे सैनिक बोलने लगती है, यानी अपने सिर झुकाकर बोलने लगती है आप ये करिए। और अगर हथौड़ी तेरवा के पास आ जाती है और देख कर तेरवा बोलते तुम डेमन किंग के पास हो यानी उसके साइड हो तो तुम भी मरने वाले हो। और जिसकर हथौड़ी बोलती है देखते है कौन मरते हैं, और ये बोलकर वो बोलता है यानी वो एक एथिक का नाम बोलती है। और तभी वहाँ पर रोशमी आ जाता है और उस पर हमें दिखाया जाता है तेरवा के अलावा उसके सारे सैनिक मर जाते हैं। और अभी तेरवा देखती है हथौड़ी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है, और जब वो बहुत डरी हुई होती है और तभी कोर ने आकर हथौड़ी को रोक लेती है और बोलने लगे तुम इसे मत मारो। और तभी तेरवा डर से भागने लगती है और तभी उसके आगे उसकी फादर आ जाती है जिसे देख कर तेरवा बहुत डर जाती है। और उधर उसके पापा बोलने लगता है तुमने ऐसा क्यों किया। और उधर हथौड़ी को देखा जाए जब हथौड़ी अकुतो की ओर देख रहा होता है, और उधर अकुतो अपने ड्रैगन के साथ उधर से उड़ कर चला जाता है, और उधर हथौड़ी अकुतो के बारे में सोच रही होती है। और उधर में दिखाया जाता है अकुतो और वो ड्रैगन एक साथ बातें करके कैरन को ढूंढ कर जा रहे होते हैं। और उधर हमें हिरोशी को दिखाया जाता है जहाँ पर हिरोशी बहुत स्पीड से कहीं पर जा रहे होते हैं, और ये भी एंड हो जाता है।